मुझे भी शादी करना है, मेरा भी परिवार होगा। क्योंकि माँ हमारी भी है, माँ आपकी भी है, बहन हमारी भी है, बीवी आपकी भी होगी। नॉर्मल आदमी से शादी करूंगी, और अगर मुझे शादी करनी है तो मैं किसी अमीर बंदे से नहीं करूंगी। नहीं होते हैं, लड़की तो चाहिए ही चाहिए, दहेज भी बढ़िया चाहिए भाई, गाड़ी चाहिए, सिकड़ी चाहिए, अंगूठी चाहिए, सब चाहिए, और लड़की तो ब्रांडेड चाहिए। आप अभी मेरे साथ खड़े हैं और दो लोग आके देखेगा, वो बिल्कुल यही कहेगा कि एक लड़का एक लड़की साथ में खड़ा है तो गलत है। इंडिया की हर महिला हर लड़की गलत है। अभी हम लोग पटना में हैं और मेरे साथ जो है अंजलि ओम प्रकाश है, और इससे आज खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले अंजलि जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का, जितने भी आपके दर्शक है उन सब का। आपने एक चीज बोला कि आगे जाकर मुझे भी शादी करना है, मेरा भी परिवार होगा। यकीन मानिए, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यकीन मानिए, मैं एक नॉर्मल आदमी से शादी करूंगी, और अगर मुझे शादी करनी है तो मैं किसी अमीर बंदे से नहीं करूंगी। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को साबित कर दूंगी कि मैं आगे जाके अगर कामयाब भी होती हूँ तब भी एक ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मेरा सम्मान करेगा, ना कि जिसके पास पैसे होंगे। अब एक मिनट यहाँ पे आपको रुकूंगी। एक महिला होकर एक लड़की होकर बोल रहे कि मैं एक नॉर्मल इंसान से शादी करूंगी, लेकिन यहीं पे जो पुरुष है वो बोल रहे हैं कि हम नॉर्मल लड़की से शादी करेंगे। अब बताइए, ये लोग नहीं बोलते, लड़के लोग को क्या चाहिए होता है? लड़की खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, खाना बनाने आता हो, सिलाई आता हो, बुनाई आता हो। अरे सारी की सारी जिम्मेदारी क्या हम लोग लेके रखे हैं? लड़कों की कुछ जिम्मेदारियां नहीं बनती है? तो माँ बाप बोलते हैं कि हमारे बेटी सिलाई करती है, बुनाई करती है, धुनाई करती है, अच्छा खाना बनाती है, आपके बेटों को अच्छा से खिलाएगी। लड़की की माँ क्यों बोलती है? क्योंकि लड़का वालों का ये डिमांड होता है, ये लड़का वालों का चाहना होता है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए। क्या कभी लड़की ने कभी बोला है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए? क्या लड़की का लड़की बोलती है? क्या लड़की का हक नहीं है कि मुझे कामयाब लड़का चाहिए? उस समय में लड़कियों को ट्रोल किया जाता है कि लड़की जो है लालची है। क्या लड़के लालची नहीं होते हैं? लड़की तो चाहिए ही चाहिए, दहेज भी बढ़िया चाहिए भाई, गाड़ी चाहिए, सिकड़ी चाहिए, अंगूठी चाहिए, सब चाहिए, और लड़की तो ब्रांडेड चाहिए। लड़की ही तो अपने माँ बाप से बोलते है कि ये चीज चाहिए ताकि हमें अच्छा लड़का मिल सके। आप लोग ही तो डिमांड करते हैं, लड़कियां ही डिमांड करती हैं। सुनिए ना, अगर लड़कियां दहेज ना देना तो हर बेटी और बहू को जला के मार दिया जाए। कितने केस है ऐसे जो दहेज के लिए मारा जाता है। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक लड़की को, एक औरत को शादी के 12 दिन बाद दहेज के लिए मार दिया गया। पुष्टि आप करते हैं उस खबर को कि दहेज के लिए ही मारा गया उसको? नहीं, इस खबर को पुष्टि करिएगा कि एक खबर की पुष्टि करूंगी जहां पर सिर्फ 3 बेटी होने की वजह से बेटा पैदा नहीं हुआ तो उस औरत को जला के मार दिया गया। ये केस है बिजबनी गांव के बनकटवा का, यानी कि बनकटवा प्रखंड के बिजबनी गांव का, जहां के मंत्री है ये डॉक्टर शमीम अख्तर, जो विधि और कानून मंत्री है। उन्होंने अभी तक उस मामले में पड़ा तक नहीं है, और ये मामला क्यों हुआ? क्योंकि उसकी बेटी पैदा हो गई। क्या बेटी पैदा होना गुनाह है? मैं कुछ गुनाह है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों बेटी पैदा होने पर किसी को जला के मार दिया जाता है? देखिए, मैंने आपको क्या बोला, ज्योति मौर्य के SDM बन जाने के बाद के उनका पद का घमंड उनको हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की हर महिला हर लड़की गलत है। मैं किसी को गलत नहीं कहती, अगर एक औरत गलत है ना तो क्या मर्द गलत नहीं होते? रामविलास पासवान जी ने, उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा शादी के 23 साल बाद, छोड़ा ना बिल्कुल, और दूसरी शादी की ना। क्यों? क्योंकि वो बड़े नेता बन गए, उनको दूसरी औरत चाहिए थी, क्योंकि पहली पत्नी के साथ खड़ा होने में उनको शर्म आ रही थी। हेमा मालिनी से शादी किए धर्मेंद्र जी, उन्होंने भी अपने पहले पत्नी और पहले बच्चों को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी की थी, क्योंकि वो बड़े स्टार बन गए तो उनको हेमा मालिनी पसंद आ गई। तब किसी ने सवाल क्यों नहीं किया? क्या वो लोग समाज को गंदा नहीं कर रहे थे? एक ज्योति मौर्य जो है वो समाज को गंदा कर रही है, तो बाकी लोग कहां थे जब समाज को रहा है कि बेटी पढ़ाओ पत्नी मत पढ़ाओ? मेरी बात सुनिए, ऐसा चलता रहा तो बेटिया को भी नहीं पढ़ाएगा लोग, ये बात सच है। बेटिया इसे करते रहेगी तो लोग नहीं पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएगा। मैंने क्या बोला, ऐसा चलते रहा तो वो दिन दूर नहीं जब एक पिता, एक भाई, एक बीवी अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड को पढ़ाना छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ऐसे औरतों की वजह से सारी जो औरतों पे शक किया जा रहा है। एक ज्योति मौर्य की वजह से हर पति अपने पत्नी पे शक कर रहा है कि हम भी अपने पति को पढ़ा के, पत्नी को पढ़ा के कुछ बना दे और हमारी पत्नी छोड़ दे। तो ये बात तो पत्नियों के मन में भी होता है कि अगर मेरा पति कामयाब हो जाएगा तो मेरा पति मुझे छोड़ देगा। ये बात कहीं ना कहीं, अगर मैं किसी से शादी करती हूँ, अगर गरीब होता है तो अगर वो आगे जाकर बड़ा बनता है तो मुझे भी वही डर होगा कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। तो आप भी बड़े होंगे तो आप भी छोड़ देंगे, ये भी डर होगा। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कामयाब होकर शादी करूंगी, एक नॉर्मल आदमी से शादी करूंगी जिसकी कुछ नहीं होगी। देखिएगा कि मैं उसका कितना सम्मान करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा नॉर्मल करोड़पति आप देख लीजिएगा ना शादी में, नॉर्मल करोड़पति ना नहीं, बस इतना जितना से मैं 2 वक्त का रोटी खा सकूं और सुकून से हम लोग कमाता है कि अपने बाल बच्चे को खिला ले और सुकून से मैं अपने बच्चों को पाल सकूं और सुकून का 2 रोटी खाऊं और चैन का नहीं सो सकूं। बाकी समाज के नजरों में गिरने का शौक हमें नहीं है भैया,
चार रुपए कमाने वाले भी अपने बीवी बच्चे को खिला लेता है, क्या कीजिएगा? तो सही है, बच्चों को खिलाना बड़ी बात नहीं है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बड़ी बात है। और मैं इतना तो मैं खुद भी कमा सकती हूँ कि मैं अपने बच्चों को परवरिश अच्छे से कर सकूँ। तो बात पति कमाई या पत्नी कमाई ये नहीं होता है, बात ये होता है कि कौन पति और कौन पत्नी अपने पति पत्नी को बराबर लेके चलता है। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे होता है तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन सबसे देश की ये महान एक लड़की है मेरे सामने जो अपने से कम लेवल वाले किसी लड़के से शादी करेंगे, जो इनसे कम कमाते होंगे, जितना दो वक्त रोटी दे सकते हैं। महान देवी है देश की, सबसे महान देवी है ना? देवी नहीं हूँ मैं। अरे हैं, सुनिए, क्योंकि भारत की हर एक नारी देवी है। वो ठीक है, आप कह रहे हैं, मैं मान रही हूँ, पर मैं खुद को देवी नहीं कहती, मैं खुद को इतना काबिलियत रखती हूँ। आप कहे या ना कहे, मुझे कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत की हर एक नारी देवी है। सभी और दुनिया की हर एक औरत, हर एक लड़की पूजनीय होती है, भारत में माना जाता है। हाँ बिल्कुल, अपने भारत में माना, माने या ना माने, भारत में, इंडिया में माना जाता है। और यही इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिसी होती है, हर एक लड़का से, जितने भी लड़का लड़की, जितने भी बॉयफ्रेंड, जितने भी हस्बैंड, जितने भी भाई और पिता ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे एक गुजारिश है, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी बहू, अपनी बहन को आगे बढ़ाए। यकीन मानिए, सारी औरत एक जैसी नहीं होती है। एक औरत को आप उदाहरण मानकर सारी औरतों का करियर आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज समझिए अपने और सामने वाले लोगों को समझिए, क्योंकि अगर पत्नी और पति साथ मिलकर कमाएंगे ना, तो बोझ जो होती है बहुत कम हो जाती है और घर परिवार भी अच्छे से चलता है। चलिए, बाकी मेरा प्रयास इस अंजलि जी के साथ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बिहार की अनोखा लड़की जो अपने से गरीब किसी लड़के से शादी करेगी, इसके बारे में भी दो शब्द जरूर लिखिएगा। जय हिंद।